नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चंदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। मंदसौर के निकट गांव मुल्तानपुरा में एक खास पहल सामने आई है, जहां पर गांव मुल्तानपुरा के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक नई पहल की शुरुआत की है। गांव मुल्तानपुरा का कोई भी व्यक्ति गौकशी, गौ तस्करी करता है या गौ तस्करी करते पाया जाता है तो उसका समाज बहिष्कार होगा। दरअसल आपको बता दें कि गांव मुल्तानपुरा में मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर गौ तस्करी नहीं करने का खास निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अगर गांव का कोई भी व्यक्ति गौ तस्करी, गौकशी जैसे काम में लिप्त पाया जाता है तो मुस्लिम समाज द्वारा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद मंदसौर पुलिस भी गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। साथ ही कुख्यात तस्करों के खिलाफ NSA जैसे कार्यवाही भी की जा चुकी है। वहीं तस्करों के खिलाफ अभी भी कार्यवाही जारी है। अब इन घटनाओं से लगातार जुड़े रहने वाले मुल्तानपुरा गाँव से सामने आई इस पहल की पुलिस प्रशासन ने भी तारीफ की है। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। मेरा नाम मुख्तियार मथारिया है, ग्राम पंचायत मुल्तानपुरा का सरपंच हूँ मैं। आए दिन जो घटनाएं होती है गौ तस्करी को लेकर, उस संबंध में गांव मुल्तानपुरा में अगर जो भी बाहर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी गौ तस्करी अगर पाया जाता है तो समाज उसका बहिष्कार करेगा और उसके वहां पर ब्याह शादी में और निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और गाँव मुल्तानपुरा के पंचायत से शासन की मिलने वाली योजनाएँ भी उसे नहीं दी जाएगी और उसे उसके लिए गांव में राशन भी बंद किया जाएगा। जुमे के दिन बाद नमाज सभी गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि मुल्तानपुरा में अगर जो भी गौ तस्करी के मामले में हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पाया जाता है और वो इस तरह की घटनाएं अगर करता है तो समाज उसका बहिष्कार करेगा और पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगा। पहल ये है कि कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर लिए गौ तस्करी करते हैं, इन लोगों के बार बार कहीं केस होते हैं, पुलिस गांव में आती है, दोषी निर्दोषी सब परेशान होते हैं, गांव की बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है। इसलिए हम सब गांव वालों और पंचायत और अंजुमन ने मिलकर बैठ के ये निर्णय लिया कि इस चीज़ को अपने गांव से ख़त्म किया जाए और इन लोगों का जो ये करते हैं अगर नहीं मानते इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए तो ये इससे अपने गांव से अच्छा संदेश जाएगा और जनता में अपने एकता का एक मिसाल बनेगी। इसलिए हम सब गांव वालों ने सोच के कि इस चीज़ को ख़त्म करी जाए, क्योंकि हमारा सामाजिक बहिष्कार उसमें हम उनके मौत मैयत में नहीं जाएंगे, उनको हमारे शादी ब्याह में नहीं आने देंगे, उनको हम नहीं जाएंगे, पूरे गांव के समाज के लोग पूरे मुल्तानपुरा के, ये हमने उसके लिए किया टोटल। आपका नाम? मोहम्मद रफीक गुल्ला, सदर अंजुमन मुल्तानपुरा। देखिए, लगातार मंदसौर पुलिस द्वारा जो भी इस गौ तस्करी में अपराध में जो लिप्त व्यक्ति हैं उन पर सख्त से सख्त हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा लगातार जिला बाजार NSA गुंडा सूची में ऐसे जो आतंक अपराधी उनको लाया गया है और उन पर सख्त कार्रवाई करके इसको समाप्त किया जा रहा है। और एक अच्छी पहल पूरे जो जनरली जो मुल्तानपुरा यहाँ पर एक गाँव है और उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई है। पूरे जो वहाँ के जो पूरे समाज के लोग हैं उनके द्वारा, मुल्तानी लोग हैं उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक करके और इसमें पूरे समाज द्वारा यह निश्चित किया गया कि इसमें जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहेगा उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तो इसमें एक अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है और हम लोगों द्वारा भी लगातार इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही है।